विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, साइटेक के एक नए अंक के साथ मैं शहनाज रजा एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज के अंक में जानेंगे क्या है खारे समुद्र की अम्लीय कहानी और देखेंगे वायरस कैसे रचते हैं हमारे शरीर को संक्रमित करने का षड्यंत्र। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। हम सब समुद्र के खारेपन से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन प्रदूषण ने पिछले कुछ सालों में समुद्र की अम्लीयता बढ़ाई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अपने शोध में समुद्री पानी की प्रकृति और उसके जीव जंतुओं पर जलवायु परिवर्तन की वजह से पड़ने वाले असर को लेकर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। क्या, आइए जानते हैं विस्तार से। ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल लगता है कि 150 साल पुराने प्लैंकटन यानी सूक्ष्म जलीय वनस्पति आधुनिकतम शोध के विषय हो सकते हैं, लेकिन किंगस्टन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सन 1872 से 1876 तक चले HMS चैलेंजर अभियान के दौरान एक कोशिकीय कवच युक्त जीव फोरा मिनीफेरा का अध्ययन किया। ये फोरा मिनीफेरा लंदन स्थित म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखे हुए थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट लिंडसे फॉक्स और उनकी टीम ने इस अध्ययन से जलवायु परिवर्तन के बारे में काफी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला है। ये निष्कर्ष जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की बढ़ती अम्लीयता और उसके समुद्री जीवों पर पड़ रहे प्रभाव की पुष्टि करता है। वैसे तो वैज्ञानिक ये बात वर्षों से जानते थे कि वातावरण में मौजूद अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के समुद्र में घुलने के कारण महासागर अम्लीय होते जा रहे हैं। अम्लीय महासागर समुद्री जीवों के लिए अच्छा नहीं है। अम्लीय पानी न केवल कैल्शियम कार्बोनेट कवच और जीवों के वाह कंकाल को झीना कर देता है, बल्कि उनके लिए इस तरह की संरचना बना पाना ही मुश्किल हो जाता है। समुद्र की अम्लीयता का प्रभाव केकड़े से लेकर मूंगे जैसे जीवों पर पड़ता है, लेकिन अभी तक अधिकांश नतीजे प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों से मिले थे जो बहुत लंबी अवधि के नहीं थे। वैज्ञानिक खुले समुद्र में अम्लीय होते महासागरों के दीर्घकालिक प्रभाव जांचने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में 150 साल पुराने प्लैंकटन के नमूने उनके लिए कारगर सिद्ध हुए। चैलेंजर से मिले नमूनों की आधुनिक नमूनों से तुलना के लिए शोधकर्ताओं ने प्लैंकटन की दो प्रजातियां एन डूटर ट्रे और जी रबर को चुना। ये प्रजातियां साल 2011 में प्रशांत महासागर में चले तारा अभियान से प्राप्त की गई थी। शोधकर्ताओं ने HMS चैलेंजर द्वारा एकत्रित नमूनों के सटीक स्थान और समय के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसकी तुलना साल 2011 के अभियान से प्राप्त उन्हीं प्रजातियों के नमूनों से की। शोधकर्ताओं ने सिटी स्कैन की मदद से इनके कवचों का 3D मॉडल बनाया। ये कवच 1 मिलीमीटर से भी कम व्यास के थे। उन्होंने पाया कि प्राचीन नमूनों की तुलना में औसतन सभी आधुनिक फोरा मिनीफेरा के कवच झीने थे। एन डूटर ट्रे का आवरण तो 76% तक झीना था। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित शोध पत्र में बताया गया है कि कुछ वर्तमान कवच तो इतने पतले थे कि उनका 3D मॉडल तक बनाना मुश्किल था। पूर्व के अन्य शोधों के आधार पर शोधकर्ताओं ने अनुमान जताया है कि कवच समुद्रों की बढ़ती अम्लीयता के कारण झीने हुए होंगे। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि इसमें महासागरों के बढ़ते तापमान और ऑक्सीजन की कमी की भी भूमिका हो सकती है। फॉक्स ऐसी ही तुलना संग्रहालयों में रखे हजारों प्लैंकटन जीवाश्मों के साथ करना चाहती हैं। वो उम्मीद करती हैं कि ये अध्ययन अन्य वैज्ञानिकों को भी सामान्य तौर पर नजरअंदाज संग्रहालयों की पड़ताल करने के लिए प्रेरित करेगा। कोविड-19 महामारी ने सभी को वायरस के खतरे के बारे में जागरूक कर दिया है। हम सब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता को अपना कर इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोरोना सहित तमाम वायरसों के बारे में हमारी जानकारी अधूरी है। वैज्ञानिक वायरस पर लगातार काम कर रहे हैं और हाल ही में ये पहली बार पता लगा है कि वायरस हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं को कैसे संक्रमित करता है। आइए देखते हैं।
सूक्ष्मजीवी वायरस की संरचना वैसे तो काफी सरल होती है। आरएनए या डीएनए से बने जेनेटिक मटेरियल की एक केंद्रीय संरचना कैप्सिड नामक बाहरी आवरण से घिरी होती है। ये कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। कुछ वायरस में लिपिड की एक बाह्य सतह भी होती है, लेकिन वायरस की संरचना जितनी सरल है, संक्रमण के जरिए इनके प्रसार की प्रक्रिया उतनी ही जटिल है। इस जटिल प्रक्रिया को उजागर किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स एंड यॉर्क के शोधकर्ताओं की एक टीम ने। ये शोध हाल ही में प्लॉस पैथोजेंस नामक जर्नल में प्रकाशित हो चुका है। वायरस एक कोशिका को संक्रमित करने के बाद दूसरी कोशिकाओं में फैलने की प्रक्रिया शुरू करता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें वायरन नामक संरचना बनाई जाती है। वायरन वायरस की संक्रामक प्रतिलिपि है। प्रत्येक वायरन में एक प्रोटीन खोल या आवरण होता है जिसके अंदर वायरस के जेनेटिक कोड की पूरी कॉपी होती है। ये वायरन दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित कर बीमारी पैदा करता है। अभी तक वैज्ञानिकों के लिए ये रहस्य था कि वायरस वायरन्स को कैसे इकट्ठा करते हैं। इसके लिए वायरस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और मैथमेटिकल बायोलॉजी के विशेषज्ञों ने एक साथ काम किया। शोधकर्ताओं ने गैर हानिकारक बोवाइन वायरस पर काम किया जो मनुष्यों में संक्रमण नहीं पैदा करते। इंटरोवायरस ई नामक ये वायरस दुनिया भर में पोलियो वायरस के लिए सरोगेट के रूप में अपनाया गया है। पोलियो वायरस मनुष्यों को संक्रमित करने वाला एक खतरनाक वायरस है। इंटरोवायरस समूह में ह्यूमन रिनो वायरस भी आता है। ये वायरस मनुष्य में सामान्य सर्दी फैलाता है। शोधकर्ताओं ने अपने शोध में आरएनए पैकेजिंग सिग्नल्स की विस्तृत भूमिका को उजागर किया। ये आरएनए मॉलिक्यूल्स पर एक छोटा हिस्सा होता है जो वायरस के बाहरी आवरण के प्रोटीन के साथ मिलकर एक संक्रामक वायरन के ठीक से बनने को सुनिश्चित करता है। मॉलिक्यूलर और मैथमेटिकल बायोलॉजी की सहायता से शोधकर्ताओं ने आरएनए मॉलिक्यूल के उन संभावित साइट्स की पहचान करने में सफलता पाई जो पैकेजिंग सिग्नल्स की तरह काम कर सकते हैं। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को सीधे तौर पर देख पाए। ऐसा पहली बार संभव हुआ था। टीम का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर पीटर स्टॉकले के मुताबिक यह अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई वायरल बीमारियों से बचाव में मदद करेगा। यदि वायरन के बनने की प्रक्रिया को भंग कर दिया जाए तो संक्रमण की संभावना को रोका जा सकेगा। शोध में विश्लेषण के बाद ये भी पता चला कि वायरन बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली मॉलिक्यूलर विशेषताएं आनुवंशिक रूप से संरक्षित हैं, यानी उनमें आसानी से कोई उत्परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। इससे ये जोखिम कम हो जाता है कि वायरस में बदलाव आने से नई दवाएं अप्रभावी हो जाएंगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक वायरन बनने की यह पूरी प्रक्रिया वायरल पैथोजेन के पूरे समूह में आनुवंशिक रूप से संरक्षित है और ये तथ्य एंटीवायरल दवाई बनाने में फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। उम्मीद है साइटेक का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइटेक के एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।